हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जब आपका आपके बॉडी से अंडा रिलीज होने वाला होता है, जब आपका ओवुलेशन होने वाला होता है, तो आपको कौन कौन से बिल्कुल 8 लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इन 8 लक्षणों पे आप गौर करते हो तो आपको 100% ये समझ में आ जाएगा कि अब आपका ओवरी से अंडा रिलीज होने वाला है और इस समय आपको कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए, जिससे कि आपको तुरंत प्रेगनेंसी हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि जब एक महिला का अंडा निकलता है, ओवुलेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, तो वहां पे जब अंडा निकलता है तो 24 से 48 घंटे ही आपके ओवरी में एक अंडे की सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पे अगर आप कॉन्टेक्ट में रह जाते हो तो इसके पहले भी रहोगे तो वहां पे आपके जो मेल के सेल्स हैं वहां पे मौजूद रहते हैं, क्योंकि जो मेल का सेल्स है उसकी सेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन होती है और जो एक महिला होती है उसके अंडे की सेल्फ लाइफ केवल 24 से 48 घंटे होती है। 24 घंटा बिल्कुल उसका हाईएस्ट चांस रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगता है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप 24 घंटे के अंदर ही ऐसा जो है करिए कि उस समय आप कॉन्टेक्ट में रहिए, जिससे कि आपको तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए। तो जब आपकी ओवरी से अंडा निकलकर फिलोपियन ट्यूब में जाता है तो वहां पे फ्रेंड्स आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स दिखाती है। तो अगर इन सिम्टम्स को आप समझ लेते हो, जान लेते हो, तो 100% कि 80 से 90% काम यहीं पे हो जाएगा। क्योंकि महिलाएं क्या करती हैं, महिलाओं को ओवुलेशन के बारे में कुछ समझ में नहीं आते हैं, जिस वजह से कि उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले अपने ओवुलेशन के सिम्टम्स के बारे में जानने हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में 8 लक्षण बताने वाली हूँ, इन लक्षणों को पूरा आपको समझने हैं। सबसे पहला आपको लक्षण समझ में आएंगे फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड का मिड भाग आएगा, यानी मैं जिसकी जैसे आपकी पीरियड 30 दिन की है, 30 दिन की साइकिल है, तो आपका ओवुलेशन 16वें दिन होगा। तो फ्रेंड्स आपको 2 दिन पहले से ही रिलेशन में रहना है, कॉन्टेक्ट में रहना है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपको जो मैं 30 दिन की पीरियड की साइकिल नॉर्मल मानी जाती है उसका मैं बता रही हूँ। अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन है तो आपका ओवुलेशन अलग होगा, अगर 25 दिन है, 26 दिन है, 40 दिन है, 45 दिन है, तो सबका ओवुलेशन अलग अलग होता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, अपने अपने ओवुलेशन के हिसाब से ही, अपने अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से ही अपना ओवुलेशन निकालना है। ये नहीं है कि मैंने बताया कि 16वें दिन होगा तो सब वही 16वें दिन मान के चलेंगे। अगर ऐसा गलती करोगे तो आपका आप अपने ओवुलेशन को मिस कर दोगे। तो अपने पीरियड की साइकिल को समझिए, उसके अनुसार अपने ओवुलेशन को निकालिए। अब फ्रेंड्स आप एक कैलेंडर के माध्यम से भी निकाल सकते हो, या फिर मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को भी आप देखिए कि अपने ओवुलेशन को कैसे निकालने हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है, पीरियड का जो मिड भाग आता है उसमें ओवुलेशन होने वाला रहता है, तो उसमें सबसे पहला आपको सिम्टम्स दिखाता है कि आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू बहुत ज्यादा डिस्चार्ज निकलने लगता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल फिसलन के जैसे निकलता है, चिपचिपा निकलता है, और एक तार का जो चाशनी होता है ना वैसा बिल्कुल निकलता है, और बिल्कुल वाटरी निकलता है। इसमें ना तो कोई रहता है और ना तो कोई इसका स्मेल रहता है। तो इस बात को आपको समझना है, और ये बहुत ज्यादा निकलने लगता है, यानी कि प्राइवेट पार्ट के थ्रू आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है और ये फिसलन वाला डिस्चार्ज निकलने लगता है। और आप तोड़ते हो ना तो अंडे का जो सफेद व्हाइट भाग होता है ना वैसा निकलने लगेगा। तो समझिए कि ये आपका ओवुलेशन की प्रक्रिया है। अब ओवुलेशन 2-4-10 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ओवुलेशन का मेन जो होता है, जब ओवुलेशन होता है मेन सिम्टम्स ये होता है। दूसरा सिम्टम्स आपको महसूस होंगे, बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर अगर आप नापते हो, इसको नापना कैसे है, इसको नापना ऐसे है कि जब आपका पीरियड आ जाता है और आपका ओवुलेशन, जैसे कि आपका पीरियड का साइकिल 30 दिन और 28 दिन है, तो अपने पीरियड के डेट से आप 9वें से 10वें दिन तक अपना बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करना शुरू कर दो। इसमें आप नापोगे कैसे, सबसे पहले आपको बिस्तर से उठना है, बिस्तर से उठ के नीचे नहीं उतरना है, बिस्तर पे बैठे बैठे अपने बेसल बॉडी को टेम्परेचर को नापिए, और नापने के बाद एक डायरी और पेन अपने बगल में रखिए और उसमें लिखिए, नोट करिए, नोट डाउन करिए कि आज मेरा इतना बेसल बॉडी टेम्परेचर आया। और जिस दिन हल्की सी उसमें वृद्धि होती है बेसल बॉडी टेम्परेचर में, उस दिन समझिए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। क्योंकि हल्का सा जब ओवुलेशन होने वाला होता है तो हल्की सी आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर हाई पे हो जाती है, बिल्कुल जैसे कि 0.5 से 1 डिग्री हाई पे हो जाएगी। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक है फ्रेंड्स, अगर इसे आप नापते हो तो और किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा जो फ्रेंड्स सिम्टम्स आपको दिखाई देगा, वो सिम्टम्स आपके ब्रेस्ट में कभी कभी पेन भी होने लगते हैं, आपके ब्रेस्ट में हल्का
हल्का सा बिल्कुल पेन होने लगता है। इसके साथ साथ आपकी ब्रेस्ट में भी पेन हल्का फुल्का होने लगता है, यानी कि ब्रेस्ट में हल्का फुल्का पेन होने लगेगा, आपके पेट के निचले हिस्से में भी हल्का फुल्का पेन होने लगता है, क्योंकि जो फॉलिकल होते हैं ना, फॉलिकल से जब अंडा निकलता है तो फॉलिकल का मुंह छोटा होता है, अंडा थोड़ा बड़ा होता है, तो वहां पर निकलता है, तो हल्का सा आपको कभी कभी क्या होता है, कितनी महिलाओं को डिस्चार्ज भी आ जाता है और कितनी महिलाओं को पेन भी होने लगता है। तो अगर आपके पेट में पेन हो रहे हैं या फिर पेन हो रहे हैं और डिस्चार्ज नहीं आया है, तो भी ये समझिए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है, क्योंकि जब पेन होते हैं, ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट होगा या राइट होगा, दोनों एरिया दोनों साइड नहीं होगा, एक साइड होगा, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा, क्योंकि जो अंडा निकलता है आपकी एक एक महीने के अंदर, एक महिला से एक ही अंडा रिलीज होता है, लेफ्ट से होगा या राइट से होगा, तो इस चीज को भी आपको समझना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपका जो LH हार्मोन है बिल्कुल पिक पे हो जाता है, आपके ल्यूटिनाइजिन हार्मोन में बिल्कुल वृद्धि हो जाती है, LH इसे हार्मोन बोलते हैं, तो ल्यूटिनाइजिन हार्मोन को आप डिटेक्ट भी कर सकते हो, मार्केट से किट लेकर आओ, जैसे कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो ना, वैसे इसे मार्केट से किट लेकर आएंगे, जैसे कि ओवुलेशन बोलेंगे, ओवुलेशन किट मुझे चाहिए, तो ओवुलेशन किट आप लेकर आइए और अपने पीरियड के डेट से 10वें दिन, उसमें 5-6 या फिर 7-8 होते हैं, उसको आप नापिए डेली, एक किट से अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसमें डिटेक्ट होता है। जिस दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाएगा, जो LH हार्मोन होते हैं, जिस दिन उसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जिस दिन वृद्धि होगी उसी दिन आपका ओवुलेशन होगा, तो जिस दिन वृद्धि होगी उस दिन आपके जो किट है उसमें दिखा देगा डबल लाइन, तो जब डबल लाइन दिखा देता है तो वो समझिए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है, क्योंकि जब LH हार्मोन में वृद्धि होती है तभी फॉलिकल से अंडा बाहर होते हैं और तभी वो फॉलिकल से अंडा बाहर होकर आपके फ्रीक्वेंट रूम में जाता है। अगर LH हार्मोन ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपका ओवुलेशन भी ठीक ढंग से नहीं होगा, तो LH हार्मोन में आपके वृद्धि हो जाती है, आपको मतली और सिर दर्द भी होने लगता है। कितनी महिलाओं को यह भी समस्या देखने को मिली है कि मतली और सिर दर्द की भी ओवुलेशन के समय समस्या आने लगती है। इसके साथ साथ आपको हाई लिबिडो होने लगती है, जब हाई लिबिडो होने लगती है तो इसमें आपका जो मूड है बिल्कुल हैप्पी हो जाती है, बिल्कुल हैप्पी होने की वजह से आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है, जिस वजह से कि कॉन्टेक्ट में रहने का बिल्कुल मन करने लगता है, क्योंकि जो इसमें हार्मोन काम करते हैं, जो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, जो जिम्मेदार होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड माइंड को ये बताते हैं कि अब आपको जो है बच्चे का अंडा निकलने का समय आ गया है और आप जो है कांटेक्ट में रहोगे तो अब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो ये आपका माइंड सेट होता है, जिससे कि हार्मोन की ये सारे चीज हार्मोन के उतार चढ़ाव से होते हैं, तो जब हार्मोन बढ़ते हैं तो आपको हैप्पीनेस महसूस होने लगता है, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, आपको हाई लिबिडो होने लगती है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है, जिस वजह से कि आपको कॉन्टेक्ट में रहने का मन करता है, जिस वजह से कि जब आप कॉन्टेक्ट में रहोगे तो वहां पे मेल केसेस आ जाएंगे आपके जो है फ्रीक्वेंट ट्यूब के अंदर, जब फ्रीक्वेंट ट्यूब के अंदर मेल केसेस मौजूद हो जाएंगे तो वहां पे आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो है ओवुलेशन के सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ एक और सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, कि अगर आप इसे नापना चाहोगे तो नाप सकते हो, आपका जो वजाइना है वहां पे आपको बिल्कुल मुलायम सा महसूस होने लगेगा और वहां पे बिल्कुल नमी नमी महसूस होने लगेगा, बहुत ज्यादा वहां पे डिस्चार्ज आने की वजह से नमी महसूस होने लगेगा और बिल्कुल मुलायम महसूस होने लगेगा, तो समझिए कि आपका ओवुलेशन 100% होने वाला है। और ओवुलेशन जब होता है तो ही एक जो है फॉलिकल से अंडा बाहर आते हैं, वरना फॉलिकल से अंडा बाहर नहीं आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बिना ओवुलेशन के भी पीरियड होते हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि जब तक ओवुलेशन नहीं होगा तब तक आपका अंडा नहीं निकलेगा और तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, इसलिए ओवुलेशन होना जरूरी है और सारे ओवुलेशन के सिम्टम्स भी जानने आपको काफी जरूरी है। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।